आप लोग दोस्तों कल के पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब और सही उत्तर देने वाले 10 व्यूअर्स का नाम वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन आज का सवाल जवाब और करंट अपडेट्स पहले शुरू करते हैं। एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारा मोटिवेशन होता है जो हमें और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने को प्रेरित करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों आज का प्रश्न जिसके जवाब आपको देने हैं कमेंट में, वे इस प्रकार है। पहला, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? दूसरा, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तीसरा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चौथा, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? पांचवा, भारतीय पहचान चिन्ह क्या है? और अब शुरू करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स और क्वेश्चन आंसर। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है मनु भाकर। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? उत्तर है 2104.6 करोड़। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? उत्तर है 12,554 करोड़। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है अनुराग गर्ग। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? उत्तर है ओडिशा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? उत्तर है आतिशी मारलेना। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? उत्तर है अनमोल जैन। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? उत्तर है अमृत मोहन प्रसाद। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? उत्तर है धुरबी पटेल। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर है ग्लासगो। अब पॉइंटर्स को नोट करें। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व भर में सांकेतिक भाषाओं की अहमियत बताने के लिए मनाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव वामपंथी नेता अनुराग कुनारा दिसानायके ने जीता, वह देश के 10वें राष्ट्रपति बने हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में जयपुर स्थित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने गोवा में 5वीं गोवा नौवहन संगोष्ठी की मेजबानी की है। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजेल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अभिनेता चिरंजीवी कोनीडेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2024 के लिए नामांकित किया गया है। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर को 8 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की है। इनमें दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट शामिल है। भारतीय रेलवे, IRCTC और उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम ने मिलकर तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव ट्रेन शुरू की है, जिससे केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और कुवैत के युवराज शेख सब्बाह अल खालिद अल सब्बाह के साथ अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता की है। दोस्तों अब बात करते हैं कल के पूछे गए प्रश्नों के, जिनके उत्तर इस प्रकार है। पहला, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? उत्तर है तलोचन द्वारा। दूसरा, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है Dr. B. Kurian। तीसरा, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? उत्तर है राजस्थान। चौथा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर है बिहार। पांचवा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। दोस्तों आंसर करने से आपका रिवीजन ही होगा, आप कहीं भी 2 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं और मोबाइल के बटन पे तो आपका स्पीड है ही। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने करियर के सफर में हमारे मेहनत को भी एक छोटा सा जगह देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।